हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 18 है, सामर्थ्यवान इकबाल, इस पाठ के हम लोग मौखिक लिखित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आज के इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न का जो पहला है, आजकल सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? इसका उत्तर है, आजकल सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। दो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए। इसका उत्तर है, दो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम है सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी। आप कोई और भी लिख सकते हैं जो फेमस हो। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में भाषा से भी ऊपर किसका स्थान है? इसका उत्तर है, क्रिकेट के खेल में भाषा से भी ऊपर संकेत का स्थान है। अगला प्रश्न, इकबाल के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है, इकबाल के पिता का नाम अनवर खान था, जो एक किसान थे। किसान मींस फार्मर थे, खेती का काम करते थे। अगला प्रश्न है, इकबाल की जिह्वा और कान कौन थी? इसका उत्तर है, इकबाल की बहन खादिजा उसकी जिह्वा और कान दोनों ही थी। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें देखिए, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आप पैराग्राफ देख लीजिए और उसके नीचे जो प्रश्न है, ये चार प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्न के उत्तर हमें इस पैराग्राफ से ढूंढने हैं। तो पहला प्रश्न है, क्रिकेट का खेल कौन आसानी से खेल सकते हैं? इसका उत्तर यहाँ पर, क्रिकेट का खेल मूक बधिर भी आसानी से खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी नस नस में क्रिकेट का जुनून समाया हुआ था? इकबाल की नस नस में क्रिकेट का जुनून समाया हुआ था। अगला प्रश्न है, इकबाल की क्या विवशता थी, मीन्स मजबूरी क्या थी इकबाल की? इसका उत्तर यहाँ पर है, इकबाल की यह विवशता थी कि वह मूक और बधिर होने के साथ साथ गरीब भी था। अगला प्रश्न है, इस फिल्म के लिए कोई दूसरा नाम सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है, इस फिल्म के लिए दूसरा नाम हिम्मत और जिंदगी या क्रिकेट का जुनून उचित रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला है, इकबाल के पिता क्रिकेट के खेल के विषय में क्या सोचते थे? इसका उत्तर है, इकबाल के पिता क्रिकेट के खेल के विषय में सोचते थे कि क्रिकेट का खेल समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। अगला प्रश्न है, इकबाल के परिवार में कौन उसे क्रिकेट खेलने के लिए बढ़ावा देता था? इसका उत्तर है, इकबाल के परिवार में उसकी माँ और बहन उसे क्रिकेट खेलने के लिए बढ़ावा देती थी। ग नंबर प्रश्न, खादिजा कौन थी, उसने इकबाल के लिए क्या किया? इसका उत्तर है, खादिजा इकबाल की बहन थी, उसने इकबाल के लिए मुंह और कान का काम किया तथा क्रिकेट अकादमी में उसका दाखिला करवाया, मीन्स एडमिशन प्रवेश दिलवाया उसने। अगला प्रश्न है, क्रिकेट अकादमी से इकबाल को बाहर निकाले जाने का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है, क्रिकेट अकादमी से इकबाल को बाहर निकाले जाने का मुख्य कारण या जाने का कारण किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश थी जिसने अपने बेटे को अकादमी में भेजा था। अगला प्रश्न है, निराश इकबाल को आशा की किरण कब दिखाई दी? इसका उत्तर है, निराश इकबाल को आशा की किरण तब दिखाई दी जब उसने मोहित का चित्र देखा था। अगला है हमारा
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला है यहाँ पर प्रश्न, इकबाल और उसके पिता के विचारों में क्या अंतर था? इसका उत्तर है, इकबाल क्रिकेट को बहुत पसंद करता था, वह बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना पाल रहा था। इस खेल के प्रति उसकी चाहत उसकी नस नस में बहती थी, जबकि उसके पिता क्रिकेट को नापसंद करते थे। वह तो क्रिकेट के खेल को समय की सबसे बड़ी बर्बादी बताते थे। उन्हें सपने में भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनका बेटा मन में क्या सपना पाले हुए है। अगला प्रश्न है, मोहित क्या बनना चाहता था और क्या बन गया? इसका उत्तर है, मोहित एक अच्छा क्रिकेटर बनना था एक अच्छा क्रिकेटर था। वह भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता था, परंतु गंदी राजनीति का शिकार बनकर वह स्थान न प्राप्त कर सका। अब वह एक मद्यप और अवसादग्रस्त व्यक्ति बन गया था। उसकी योग्यता को सही पहचान न मिल पाई और निराशा ने उसे सही व्यक्ति नहीं रहने दिया। अगला प्रश्न है, निराश इकबाल ने अपने जीवन के कमजोर क्षणों में क्या किया? इसका उत्तर है, निराश इकबाल ने अपने जीवन के कमजोर क्षणों में अपने सपनों की चिता जला दी। उसने अपने प्रिय खिलाड़ियों के चित्र और पोस्टर जलाने शुरू कर दिए। हताशा के समय उसे यह भी समझ नहीं आया कि वह जो कर रहा है वह उचित है अथवा अनुचित। अगला प्रश्न, आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। कहानी के संदर्भ में इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित करना मीन्स प्रूफ करना किसी चीज को। इसका उत्तर है, आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। कहानी के संदर्भ में यह कथन पूर्ण सार्थक है। इकबाल के सामने बड़ी से बड़ी मुसीबतें व रुकावटें आई। वह निराश और हताश तो हुआ, परंतु हिम्मत नहीं हारा। वह निरंतर रुकावटों से जूझता रहा और प्रयास करता रहा तथा एक दिन अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो गया। इससे प्रमाणित हो जाता है कि आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए और बताइए कि यदि इकबाल को मोहित का साथ न मिला होता तो क्या वह एक सफल खिलाड़ी बन सकता था? इसका उत्तर है, हमने कल्पना की और यह पाया कि जहां चाह है वहां राह है, अर्थात चाहने वाले को कहीं या कभी कोई कमी नहीं होती, बशर्ते उसमें सच्ची लगन हो। यदि इकबाल को मोहित न मिलता तो कोई और मिल जाता या कोई अन्य राह मिल जाती। अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेता। अगला प्रश्न है, च नंबर, क्या आपने कभी कोई काम पूरी लगन से किया है? कौन सा और उसे पूरा करने के बाद आपको कैसा लगा? इसका उत्तर है, हाँ, मैंने प्रायः अपने विद्यालय द्वारा प्रदत्त कार्य पूरी लगन से करता हूँ या करती हूँ। मुझे एक बार पता चला कि कुछ बच्चे बाजार से अपने परियोजना कार्य बनवाते हैं, मीन्स अपना जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट से करवाते हैं। फलस्वरूप उन्हें अच्छी श्रेणी मिलती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने सोचा भले ही मैं उस स्तर का काम न कर पाऊं, पर पूरा प्रयास तो करो। मैंने संगणक से बहुत सी जानकारी एकत्र की, संगणक मीन्स कंप्यूटर, उसे क्रमवार लगाया और बहुत सुंदर चित्र बनाए तथा बाह्य पृष्ठ भी सजाया, मीन्स जो फर्स्ट पेज है उसको भी उन्होंने अच्छे से डेकोरेट किया। मेरी अध्यापिका ने मेरे कार्य को बहुत सराहा, मीन्स अप्रिशिएट किया उसकी टीचर ने, और सर्वोच्च श्रेणी तो दी ही, प्रधानाध्यापिका जी को भी दिखाया। उसके बाद मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।
तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।